गाइज प्रॉब्लम नंबर 63 को देखो, बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है और ऐसी प्रॉब्लम को आप इम्पोर्टेंट लिख दिया करो क्योंकि खास है। आपसे कह रहा अ गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद द करंट आईजी। गैल्वेनोमीटर जो होता है, देखो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा जब इसके अंदर से करंट आईजी पास होकर जाएगी। बात सही है, यहाँ तक क्लियर है। आगे कह रहा कैन इट बी कन्वर्टेड इंटू एन एमिटर ऑफ रेंज आई लेस देन आई जी। क्या आपको, आप इस बोल्ड गैल्वेनोमीटर को क्या आप एक ऐसे एमिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसकी रेंज जो होगी वो कुछ ये होगी आई लेस देन आई जी। एक्चुअल में होता क्या है, ये क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपसे ये पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है क्या आप गैल्वेनोमीटर को एमिटर में कन्वर्ट कर सकते हो जिसकी एक डिज़ायर्ड रेंज हो, ज़्यादा रेंज हो, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप उस रेंज को डिक्रीज़ कर सकते हो, तो रेंज डिक्रीज़ नहीं कर सकते आप। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने कोई एमिटर बना रखा है तो आप एमिटर की रेंज को बहुत ज़्यादा डिक्रीज या आप ये कह सकते हैं डिक्रीज़ नहीं कर सकते। जब आपने एक बार एमिटर बना दिया तो उस एमिटर की रेंज को डिक्रीज़ नहीं कर सकते, डिक्रीज़ नहीं कर सकते वो वाला केस भी यही है। और ये जो पूछना चाह रहा है ये वाला केस भी वही है, एमिटर की रेंज को डिक्रीज़ करना। देखो हमसे कह रहा है कैन इट बी कन्वर्टेड इंटू एन एमिटर ऑफ रेंज इतने, क्या आप इसको एक ऐसे एमिटर में कन्वर्ट कर सकते हो जिसकी रेंज ये होगी आई लेस देन आई जी। तो यार एक कॉमन सेंस की बात है, जो शंट का रेजिस्टेंस होता है वो ये होता है किसी पर्टिकुलर एमिटर के केस में आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। अगर यहाँ पर आई जी को आप बड़ा ले रहे हो आई से, तो इसका मतलब ये हो गया कि आई जी अगर आई से बड़ा है, देखो आई जी वैल्यू बड़ी है आई से, तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन निगेटिव आ जाएगा। इट मीन्स शंट का जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो निगेटिव आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि शंट का रेजिस्टेंस निगेटिव हो? क्या ऐसा हो सकता है कि शंट का रेजिस्टेंस निगेटिव हो? रेजिस्टेंस कोई सा भी हो निगेटिव नहीं हो सकता। जब शंट का रेजिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता तो आप गैल्वेनोमीटर को एक ऐसा एमिटर बना ही नहीं सकते जिसकी रेंज ये हो। और इसको आप इस दूसरी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि आई जी जो है करंट, देखो इसको जब आप एमिटर में कन्वर्ट करते हो तो इस तरह से एक शंट लगाते हो, तो यहाँ जो करंट जाती है वो जाती है आई माइनस के आई जी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ करंट गई आई जी और यहाँ गई आई माइनस के आई जी, और टोटल जो करंट आई वो आई आई। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे साथियों, ये टोटल करंट आई आ रही है, गैल्वेनोमीटर के अंदर से आई जी जा रही है, शंटी के अंदर से आई माइनस के आई जी जा रही है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट ज़्यादा चली जाए इसके मुकाबले? यार नहीं हो सकता। अगर 10 एम्पीयर की करंट आ रही है तो हो सकता 3 एम्पीयर यहाँ चली जाए, 7 एम्पीयर यहाँ चली जाए, हो सकता 5 एम्पीयर यहाँ चली जाए, अगेन 5 एम्पीयर यहाँ चली जाए, हो सकता 1 एम्पीयर यहाँ चली जाए तो 9 एम्पीयर यहाँ चली जाए। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर से 12 एम्पीयर चला जाए 10 एम्पीयर आने के बाद, नहीं हो सकता ना। जब ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती कि जितनी करंट आ रही है उससे ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर से पास हो जाए, जब ये चीज़ हो नहीं सकती, तो ये चीज़ जब नहीं हो सकती तो भाई आप एक ऐसा एमिटर डिज़ाइन नहीं कर सकते जिसके लिए आई जी बड़ा होगा आई से। ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन में आपने देख लिया निगेटिव रेजिस्टेंस आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको आप यहाँ से समझें, द एबव फॉर्मूला गिव्स द निगेटिव वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर एस, हैंस इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एन एमिटर ऑफ रेंज आई लेस देन आई जी। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वरना इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एक थम्सअप, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो बनता। थैंक यू।